वी हैव स्टार्टेड आवर ट्रैक फ्रॉम गोविंद घाट एंड दिस इज़ डे टू एंड वी आर ट्रैवलिंग टू घांगड़िया. सो इट्स अ 10 किलोमीटर ट्रैक. द स्टार्टिंग पार्ट इज़ लिटल बिट स्टीप विच वी आर कवरिंग राइट नाउ एंड लिटल बिट स्ट्रगलिंग. एनी वेज लाइक जब भी हम कोई ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली इट्स लिटल बिट टायरिंग एंड इट टेक्स सम टाइम फॉर योर बॉडी टू अडेप्ट. But the views on your right are totally a motivation to keep moving. There are many waterfalls which I can exactly spot by walking from here. So यहाँ पे हम forest के through ही pass कर रहे हैं and this path is well laid. Proper trails बनी हुई है यहाँ पे. But still just make sure that you stay with your guide and since we have entire day to reach up to Ghangadia, so we are not in hurry, just taking it slow and let the body adapt for the further trek. So let me just show you the view around from here. So the trail is like this, it goes through the forest and it is properly laid. So there are stairs in the starting which you have to climb. यहाँ से पोर्टर्स भी जाते हैं जिस जिनको कि आप अपना लगेज दे सकते हैं. सो सिंस इट्स अ 10 किलोमीटर ट्रैक वी डोंट वांटेड टू कैरी आर हैवी बैकपैक्स एंड गेट टायर्ड ऑन द वे. सो वी आर गिविंग आवर बैग्स टू द पोर्टर्स एंड दिस वे इट्स लिटिल बिट इजी टू डू द ट्रैक. यहाँ पे पोर्टर्स ने सो देयर आर टू ऑप्शंस, इधर यू कैन टेक द म्यूल और यहाँ पे लोग भी हैं जो खुद से बैग्स कैरी करते हैं. तो हमने एक्चुअली म्यूल लिया है एंड फॉर 5 बैग्स फॉर ईच बैग दे चार्ज अस 350 रुपीज. सो इफ यू हैव अ ग्रुप ऑफ 5 to 6 पीपल दे समटाइम बार्गेन, सो यू हैव टू जस्ट टॉक टू देम एंड गेट द बेस्ट प्राइस फॉर दैट. Yesterday we travelled from Haridwar to Joshimath और हमने Joshimath में overnight stay लिया था और आज सुबह Joshimath से हम लोग आए गोविंद घाट फ्रॉम अ ट्रैवलर. कुछ लोग गोविंद घाट से भी ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं बट गोविंद घाट से हम लोग टैक्सी से जो लोकल टैक्सीज होती है वहाँ से हम पुलना आए एंड वी एक्चुअली स्टार्टेड आवर ट्रैक फ्रॉम पुलना. अभी हमने अराउंड 1 किलोमीटर के अराउंड कवर किया होगा बट थोड़ा स्टीप था स्टार्टिंग में इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुई. पूरा रास्ता जंगल से जा रहा है और हवा चल रही है काफ़ी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना ही इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पे. Thank you.
So this is the trail we have followed. And this is the first village which we have entered, and the name is Bhayandar or Bhayandar. I don't know exact pronunciation, pardon me for that. यहाँ पे देखिए एक टेम्पल भी है. अभी हम अंदर तो नहीं जा सकते, वी आर बिट शॉर्ट ऑफ टाइम. वेदर अमेजिंग होता जा रहा है, सो दिस ट्रेल इज जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर. जस्ट लुक एट दिस. बेस्ट थिंग है कि यहाँ पे हर जगह आपको छोटे छोटे होटल्स ढाबा मिलेंगे और वॉशरूम फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं. एंड ट्रेन इज ऑल्सो वेरी लेट, सो आई थिंक इट्स ऑल गुड एंड ऑल परफेक्ट. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वेदर भी बहुत अमेजिंग होता जा रहा है. नेचर के साउंड बहुत स्ट्रांग है और जो हमारे राइट साइड में रिवर फ्लो कर रही है उसकी साउंड बहुत ही तेज आ रही है. सो भी बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट पे हम लोग आए हैं. हर तरफ से रिवर फ्लो कर रही है, संगम हो रहा है. मुझे ये तो नहीं पता एग्जैक्टली कि ये कौन सी दो रिवर्स का संगम है, बट जो लैंडस्केप है इज टोटली ब्रेथ टेकिंग. सो लेट मी जस्ट शो यू. अभी हम भीमदार विलेज के आसपास आ गए हैं. यहाँ से अभी भी 4 किलोमीटर्स बचा है. द नेचुरल ब्यूटी इज गेटिंग बेटर एंड बेटर. यहाँ पे जो हमारे गाइड हैं, ही वॉज टेलिंग मी कि लाइक 2013 में जो यहाँ पे उत्तराखंड में डिज़ास्टर आया था, उसके बाद यहाँ पे जितने भी घर थे, यहाँ पे जो विलेज था वो काफ़ी यहाँ पे सब घर बह गए थे. इवन ही वॉज टेलिंग मी कि जो सामने रिवर के अदर साइड आप जगह देख रहे हो, वहाँ सब जगह ये घर थे यहाँ पे. इवन ऑन माई राइट इफ आई शो यू, सो इन द डिजास्टर ऑफ 2013 एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड. और अभी यहाँ पे बहुत थोड़े से ही घर बचे हैं जो कि हमने अभी कुछ देर पहले वीडियो में देखे थे. ये जो रिवर हमारे पैरेलल फ्लो कर रही है, दिस इज लक्ष्मण रिवर और ये हेमकुंड साहिब से आती है. बेसिकली दो रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी. ये एक लक्ष्मण रिवर है जो मैंने अभी जो मेरे राइट में है, और जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया था तो वहाँ पे पुष्पावती रिवर है जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स से आती है. तो जब हम हेमकुंड साहिब का ट्रैक करेंगे, कल हम वैली ऑफ फ्लावर्स जाएंगे और उसके नेक्स्ट डे वी विल गो टू हेमकुंड साहिब, तब हमें यही लक्ष्मण रिवर ही हमें मिलेगी ऑन द वे.
तो अभी हम लोग घांगरिया पहुंच गए हैं और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वैली व्यू है। अभी हम लोग टोटली टायर्ड हो गए हैं बिकॉज ऑलमोस्ट वी हैव बिन वॉकिंग सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 6 to 7 hours। एंड आई विल जस्ट टेल यू कि मैनी प्लेसेज यू वुड सी इट इज़ रिटन दैट इट्स एन ईजी ट्रैक एंड इट यू हैव टू जस्ट वॉक एंड इट्स नॉट एट ऑल स्टीप। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट एन ईजी, so I think it's a moderate trek and you have to actually climb stairs for around 5 to 6 hours because पूरे 5 to 6 hours में हमें बहुत ही कम patches ऐसे मिले जहाँ पे कि हमें straight walk करना था। so just don't come with the assumption that you have to just walk on the flat surface, ऐसा नहीं है। but हाँ, the beauty which you will see here is totally out of this world. It's so mesmerizing that it will motivate you at each and every step to just keep moving. तो यहाँ पे हम almost एक valley में आ गए। यहाँ पे कुछ camps भी दिख रहे हैं। We have our homestay, so we'll move ahead for another like 500 meters and we can see some houses over there. So let me just show you this valley view. So the clouds have come down all the way. See. And over there where you see it is written H, these are actually helipads. And look at that waterfall. These are the camps. And there we have the homestay. So thank you so much for watching this video and I hope you liked it. If you have not subscribed to my channel, please do it because there are a lot of videos on Uttarakhand coming up in the series.